500 स्पीच के बारे में जो मैंने कल बताया था उसी से आगे बताने जा रहा हूं। आपको मैंने पहले भी बोला हुआ है, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं कृपया, मैं आप लोगों को यही बार बार कहना चाहूंगा कि आप कमेंट्स मत करिएगा। आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, जब ये वीडियोस उस पर डाल दी जाती है जो चैनल पर, तब आप उसमें जितनी भी चाहे वीडियोस में क्वेश्चंस क्वेरीज करना चाहें करिए। और स्पेशली मैं आपको जो कह रहा हूं वो ये कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी बशर्ते आप इसको रेगुलर रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। जब मैं यहां पर आपको पढ़ाने के लिए आया हूं तो ये सोच करके तो आया नहीं हूं कि बीच में छोड़ के भागना है, या आप जो जानते हो वो अच्छी बात है, नहीं जानते वो सीखिए ना। दूसरी बात ये कि जो भी चीज मैं पढ़ाते जाता हूं उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट के रूप में पूछिए, और अगर आप ये कहते हैं ये फिलर्स पढ़ाइए, पैसेज पढ़ाइए, तो मैं आपको बोल चुका हूं पहले भी और फिर बोल रहा हूं, और रेगुलर बेस पे मैं शायद आज बना भी दूंगा, कुछ पैसेज के वीडियोस बनाने वाला हूं और पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये यूट्यूब पे मेरा चैनल है, उस पर जाकर के देख सकते हो। कुछ वीडियोज पड़े हुए हैं उससे भी कंसेप्ट क्लियर करिएगा, और पैसेज का वीडियो मैं आज डालूंगा तो आप जो है देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए हम चलते हैं जो आपने पढ़ाया था उसी से आगे। मैंने आपको बताएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को किससे से आइडेंटिफाई करते हैं, बल्कि मैं आपको बोलता रहता हूं और आपको भी ये कह रहा हूं कि आप अपने स्टूडेंट्स और भी जो पढ़ने वाले सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनको जोड़िए, उनको शेयर करिए, उनको कहिए कि आप क्यों भटक रहे हो, और पढ़िए यहां कमल सर से और जानिए देखिए क्या किस तरह से जिए। और दूसरा, कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं तो उसको रट्टा मत लगाइएगा, आप पूछा पूछ लगे हुए, ठीक है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, राम राम सबको, और दूर दूर बैठे हुए बच्चे, विशेष रूप से मेरे अजीज बच्चे, वो जरूर वीडियोस के माध्यम से बेनिफिट लेंगे, और जरूर मैं अपने इसी स्थिति में ये चीज को, अभी तो बहुत हल्का दिखाई दे रहा है, मैं जूम कर दूंगा, लेकिन अभी आपको जो बता रहा हूं पहले उस पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद जूम करके इसको बढ़ा देंगे। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए ताकि वो इसको ज्वाइन कर सके और उसका बेनिफिट ले सके, क्योंकि दूर बैठे हुए आप लोग यहाँ आ नहीं सकते ना। तो मैं ये बेनिफिट आपको दे रहा हूं, तो निश्चित रूप से चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा सिस्टमैटिक। अभी मैं जैसे चैप्टर से पहले जो आज का जो लास्ट पार्ट है वो बताने वाला हूं, जो फंडामेंटल का, इस फंडामेंटल के बाद निश्चित रूप से एक एक टॉपिक वाइज चलेंगे, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल वर्ब सब चीज पढ़ाएंगे। और जहां तक वोकैबुलरी का प्रश्न है तो निश्चित रूप से वोकैबुलरी आपकी उस जो आपका जो यूट्यूब चैनल है कमल जैन इंग्लिश क्लास है उस पर डालूंगा, उस पर भी देख सकते हो, एक्सरसाइज वगैरह भी देख सकते हो, बिल्कुल वो ऑनलाइन क्लासेस में पूरा विदाउट फी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप पढ़िए मजा आएगा आपको। देखिए जरा, देखिए मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी चीज को पता करना चाहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो कल मैंने लिखा भी था और इसको आज बहुत अच्छी तरह से समझिएगा कि अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में कौन या किसने पूछता हूं तो इसका जवाब नाउन निकलेगा, और अगर नाउन नहीं निकला तो निश्चित रूप से प्रोनाउन निकलेगा। अगर मैं यह पूछता हूं कि क्या किसे और किसको, तो क्या किसे किसको का जवाब भी ध्यान रखना नाउन निकलता है, यानी इन पांच वर्ड्स को एक क्वेश्चन पूछने पर नाउन निकलता है, और नाउन नहीं निकलेगा तो समझ जाइए प्रोनाउन। यह आप पहले ही जान चुके हो कि नाउन की जगह वर्क करने वाला प्रोनाउन होता है। अगर मैं यह पूछता हूं कि कैसा और कैसी, तो कैसा और कैसी में सा और सी शब्द, ये दो लेटर है, इनको ध्यान रखना, तो इनसे निकलने वाला शब्द जो होगा वो एडजेक्टिव ही होगा। ये बड़ा शॉर्ट मेथड से इस चीज को निकालते हैं, और जब वो एडजेक्टिव होगा तो निश्चित रूप से नाउन या प्रोनाउन के लिए काम करेगा। एक और सॉल्यूशन है एडजेक्टिव को पता करने का, वो ये है कि उस एडजेक्टिव को ये पता करने के बाद उसके बाद एक नाउन लगा के देख लो। जैसे हमें ये पता नहीं है कि डॉक्टर क्या है या कवर्ड क्या है या फूल क्या है, तो उसके बाद नाउन लगा दो, तो उसके बाद अगर वो नाउन फिट बैठ गया तो समझ जाना एडजेक्टिव है, और फिट नहीं बैठा तो नाउन। जैसे मैंने कहा डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर के साथ मैन लगा दूं, डॉक्टर मैन कैसा लगेगा, अजीब सा। टीचर मैन लग नहीं सकता, लेकिन पुअर मैन हो सकता है, तो पुअर मैन होने पर पुअर क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में देखो एक और, जैसे ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल के बाद में एक नाउन लगा दो, ब्यूटीफुल गर्ल तो लग जा रहा है, लेकिन अगर ब्यूटी के साथ नाउन लगा दो ब्यूटी गर्ल नहीं लग रहा, तो ब्यूटी एडजेक्टिव नहीं है। तो एक और तरीका है, एडजेक्टिव जो है कैसा और कैसी का जवाब होता है,
और अगर मैं ये कहता हूं कि कैसे, कैसे का मतलब होता है तरीका, तो इस कैसे से निकलने वाला जो पार्ट होता है वो एडवर्ब। और ध्यान दीजिए, एडवर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए वर्क नहीं करता, बाकी सब के लिए काम करता है। वर्ब के लिए भी कर सकता है, एडजेक्टिव के लिए भी कर सकता है, एडवर्ब के लिए भी कर सकता है, कंजक्शन के लिए भी कर सकता है, प्रीपोजिशन के लिए भी कर सकता है, सब के लिए कर सकता है, पर नाउन और प्रोनाउन के लिए काम नहीं करेगा। इंटरजेक्शन एक मैडमैन है, और इंटरजेक्शन वास्तविकता में उसका कोई वर्क नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। सिर्फ सिर्फ हमने उसको मैड क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर आने वाले वर्ड्स अलाफ, हिपे, ओ, आ, आउच, जैसे अपन लोग कहते थे, एक बंदे से कहा कि ताजमहल बहुत अच्छा है, तो वो खुश होकर बोल रहा है वाह वाह हुर्रा, हिपे भुर्रे, ऐसे करके बोलता है। तो ऐसी स्थिति में अभी जूम भी कर दूंगा, लेकिन फिलहाल जितना आ रहा है ना उसको देखिए, उससे फिर बहुत छोटी स्क्रीन हो जाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं जूम भी कर दूंगा। लेकिन आपको मैं सलाह यही दे रहा हूं कि अगर मान लिया थोड़ा सा आप अपने वीडियो को थोड़ा सा पिक्सल बढ़ा लीजिए तो अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, तो इस तरह से इन शब्दों से क्या निकल रहा है, कैसा कैसी, एडजेक्टिव, और कैसे से क्या निकल रहा है, एडवर्ब। अब ऐसी स्थिति में एक वर्ड और ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा कि कितना, कितनी और कितने, इन तीनों शब्दों से एडजेक्टिव भी निकल सकता है और एडवर्ब भी निकल सकता है। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों कैसे निकलते होंगे, क्योंकि एडजेक्टिव जब निकलेगा तो निश्चित रूप से उसके बाद नाउन लग जाएगा, और अगर एडवर्ब होता तो नाउन नहीं लग सकता, एडजेक्टिव लगेगा। जैसे अगर मैंने ये कहा कि बताइए मच क्या है, तो हम कह नहीं सकते। वैसे तो मेरा ये फंडा ही है ये कि आप किसी भी वर्ड के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये वर्ड है क्या। हम और आप क्या करते हैं कि उस वर्ड को देख करके और ये कह देते हैं ये, जैसे मैंने आपसे पूछा फैन क्या है, और आपने कह दिया फैन माने पंखा, और फिर मैंने कहा मैं तो भाई अक्षय कुमार का फैन हूं, तो वहां पर फैन का मतलब तो प्रशंसक निकला, वहां पर ये तो नहीं कि मैं अक्षय कुमार का फैन हूं। तो यहां जानिए, फैन वर्ड को हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, इसको एक सेंटेंस में यूज करने के बाद कहेंगे कि ये क्या है। जैसे अगर मैंने बोला कि आई एम द फैन ऑफ अक्षय कुमार, तो फैन की हिंदी कुछ और निकली, और आई बॉट अ फैन, तो वहां हिंदी कुछ और निकली, तो इसलिए हम कैसे कह दें। और इंग्लिश के अंदर ये अच्छी बात है कि एक वर्ड से बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे, और इंग्लिश वैसे भी इसलिए इजी हो जाती है, जैसे रा, रा हिंदी के अंदर पांच टाइप से होते हैं, रा यानी ऐसे भी बना लेते हैं आप, और इसके बाद अगर मान लीजिए देखा होगा जैसे ट्रक लिखते हैं तो ट्रक में भी ये लग जाता है, या कर्क लिखते हैं तो ये ऊपर लग जाता है, अगर क्रा लिखते हैं तो क्र ऐसे लिख देते हैं, और क्रू लिख देते हैं तो कृपा वाला लिख देते हैं, तो यानी आखिरकार ये पांच प्रकार के रहे हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर तो केवल आर है, और एक चीज और बताएं, इंग्लिश का कोई भी लेटर आधा भी नहीं बन सकता। हिंदी में तो आपने लल्लू पप्पू कुछ भी लिखा तो आधा ला भी बन जाता है, आधा पा भी बन जाता है, आधा का भी बन जाता है, लेकिन इसके अंदर तो नहीं। तो इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है आपने, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही मैं आया हूं इस चैनल पे, क्योंकि आपकी समस्याएं सॉल्व हो, दिक्कतें हैं तो देखें जानें। अब जैसे मैंने आपसे ये कहा कि मच क्या है, तो आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए कि मैं नहीं बता सकता ये क्या है जब तक एक सेंटेंस में यूज नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूं मच मनी, और मच मनी में आपने देखा कि मनी क्या है, मच मनी का मतलब हो गया अधिक धन, तो अधिक क्या, और क्या का जवाब क्या निकलता है, नाउन, यानी इसका मतलब ये मनी है वो नाउन है, और जब ये मनी नाउन है तो नाउन के पहले आने पर वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहां पर मच है तो जवाब कितना है, कितनी कितना का, पर इसके बाद नाउन आने की वजह से ये एडजेक्टिव बन गया है। लेकिन यहीं पर अगर मैंने बोला होता मच ब्यूटीफुल, यानी अधिक सुंदर, तो ऐसी स्थिति में ब्यूटीफुल यानी कैसी, कैसा और कैसी, ब्यूटीफुल गर्ल, कैसी लड़की, तो ये ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव के पहले लग जाएगा, एडजेक्टिव के लिए काम करेगा, तो ये एडवर्ब भी। तो ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि मच क्या है, क्योंकि ये लगने पर डिपेंड होता है कि ये क्या है। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वो वर्ड क्या है, और इस तरह से इस वर्ड के इस पार्ट के माध्यम से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चल जाते हैं। जब तक इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पता नहीं होंगे, समझ जाइए इंग्लिश आएगी नहीं, क्योंकि आगे जाकर प्रपोजिशन के बारे में पता किया, और प्रपोजिशन के बारे में कल मैंने बताया था कि प्री ऑपोजिशन यानी आगे लग जाए, ऑपोजिशन बताए, तो
तो आगे वो किसके लगेगी? नाउन के। तो सबसे पहले आपको ये तो बचा पता चले कि वो नाउन है या नहीं। बाय द वे किसी वर्ड के अंदर, और मैंने ये लिख दिया किसी वर्ड में प्रीपोजिशन दी हुई है और इसके बाद यहां चार वर्ड दिए हुए हैं, और इस चार वर्ड में आपको ये तो पता चल गया कि इस प्रीपोजिशन के बाद मुझे नाउन चाहिए, और बाय द वे वहां पर कोई लिखा है ऑफ अ ब्यूटीफुल कोई वर्ड लिखा है, तो आपको ये पता चल गया कि ब्यूटीफुल तो भाई एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले प्रीपोजिशन क्या कर रहा है। या बाय द वे आपने कह दिया विद और रेस्पेक्टफुली, विद क्योंकि जगह कम है आपको इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते, मैं इसलिए ये लिखे रहती है क्योंकि इसको भी सिखाना है मुझे। अब जैसे मैंने कहा विद और रेस्पेक्टफुली, अब विद रेस्पेक्टफुली बोला है मैंने, तो यहां कोशिश करिए रेस्पेक्टफुली क्या है, एडवर्ब है। बाय द वे आपको ये चीज नहीं आती तो बताऊंगा कैसे, अगर ये एडवर्ब है तो इसके पहले प्रपोजिशन क्या कर रही है भाई, क्योंकि प्रपोजिशन तो किसी भी सूरत में नाउन या प्रोनाउन के ही पहले आनी चाहिए, तो यहां पर गलती आपको पता चल गई कि विद रेस्पेक्टफुली तो हो ही नहीं सकता, तो विद के बाद रेस्पेक्टफुली नहीं बल्कि विद रेस्पेक्ट होगा। तो इन शब्दों से हमको ये पता चलेगा कि ये क्या है, और इन शब्दों को दिमाग में बिठा लीजिए। अब बाय द वे मैं आपको ये चीज बताता हूं कि देखिए कैसे इनको निकालते हैं। जैसे आपने ये कहा सीता इज आ, कल भी एग्जाम्पल दिया था मैंने, वेरी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक बहुत बहुत सुंदर लड़की है। तो आप क्वेश्चन जिसको गायब करेंगे उसके लिए क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सुंदर है, तो कौन का जवाब नाउन होता है, इसलिए सीता नाउन है। अब हमने कहा सीता है तो, पर वो है क्या, लड़की लड़का क्या है वो, तो क्या का जवाब निकला कि वो लड़की है यानी गर्ल है, तो वो भी क्या का जवाब भी नाउन होता है। अब हमने कहा ठीक है सीता लड़की तो है पर कैसी, अब कैसी का जवाब क्या होता है एडजेक्टिव, और इसमें कैसी का जवाब क्या है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव हो गया। अब हमने अगर ये पूछा कि ठीक है सुंदर लड़की तो है, सुंदर कितनी है कम या ज्यादा, कितनी, तो कितनी का जवाब निकलता है एडवर्ब, कितना कितनी कितने, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव के लिए वर्क कर रहा है, तो वेरी क्या बन जाएगा एडवर्ब, और बाय द वे इससे पहले एक और वेरी लगा है तो वो वेरी भी इस वेरी के लिए काम करेगा, नाउन के लिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब, एडवर्ब के लिए फिर एडवर्ब, तो ये भी एडवर्ब हो गया, तो ये सेंटेंस के अंदर ये शब्द निकल जाते। दूसरा आपके दिमाग में ये भी बात आती होगी कि सर एडवर्ब कितने आ सकते हैं, एक नाउन के पहले, एक एडजेक्टिव के पहले, एक वर्ब के पहले, कुछ भी कितने भी आ सकते हैं, कोई बॉन्डेज नहीं। अगर मैं ये कहूं अ वेरी ओल्ड ब्लाइंड डेफ डम लेम मैन, और हमने कहा इसमें बताइए क्या है, पहले नंबर पे मैन क्या है नाउन, क्योंकि आपने कहा कौन आदमी, कौन का जवाब नाउन, वो कैसा आदमी, कैसा लंगड़ा, कैसा गूंगा, कैसा बहरा, कैसा अंधा, कैसा बूढ़ा, तो ये सारे कैसा का जवाब होने की वजह से सारे एडजेक्टिव है जी, सारे एडजेक्टिव है, लेकिन बहुत बूढ़ा है बहुत आदमी थोड़ी है, तो वेरी है वो ओल्ड यानी एडजेक्टिव के लिए वर्क कर रहा है, इसलिए वेरी या एडवर्ब। किसी भी शब्द को निकालेंगे उसके आधार पर ही यह चीजें निकलती हैं। अब जैसे हमने आपको बताया कि इसका दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये है और एक तरीका है इसका रेडीमेड, आप दोनों तरीकों को सीखिए। यहां पर मैंने 30-40 वर्ड्स भी दिए जो है जिनको आप उनको यहां एक्सरसाइज के रूम में करना है, फिर आप जितनी भी आपके पास एक्सरसाइजेस हो वो सब करिए, प्रॉब्लम्स हो तो इसी वीडियो में आप डाल दीजिए, इसी वीडियो में कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको हाल के हाल वही जवाब दे दूंगा। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं स्टैंडर्ड बच्चे, जिन बच्चों को वास्तविकता में क्रैक करना है एग्जाम, और मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं आप आगरा से बिलोंग करते हैं, आगरा के आसपास से बिलोंग करते हैं, आगरा में पढ़ने आते हैं, तब भी मैं आपको यही कहूंगा मेरे भाई क्वालिफाइंग मस्ट बी द फर्स्ट पर्पज ऑफ योर लाइफ। आप कहीं से बिलोंग करते हैं, कहीं पढ़ते हो, आई एम नॉट अ क्रिटिसाइजर, मैं आपको कोई रोकने वाला भी नहीं, हु एम आई टू जस्ट प्रिवेंट यू, लेकिन हां यही कहूंगा कि आप पढ़ने वाले हैं तो अच्छे एक्सपीरियंस को जोड़िए, अच्छे एक्सपीरियंस को कोई चीज अगर मिल रही होगी तो डेफिनेटली वो मना नहीं करेगा, वो आपका थैंकफुल होगा, वो आपको ये कहेगा भैया आपने अच्छी जगह बता दिया। तो इसलिए ध्यान दीजिए
इन चीजों को सीखने के लिए लोगों को उस नॉलेज को बांटिए दूसरे को। आप भला करिए अगर आप वास्तविकता में किसी अपने दोस्त के शुभचिंतक हैं। दोस्त बनने का मतलब यह नहीं कि आप वैसे ही मस्ती करने वाले दोस्त बन जाएं। दोस्त हैं तो अपने दोस्तों का भला करो ना। तो आपने देखा इस तरह से किसी वर्ड को हम पता करते हैं। तो वो अभी मैं आपको इन शब्दों के माध्यम से ये चीजें बताता हूं, फिर यहां इसको हटा करके और फिर नई नई चीजें बताने वाला हूं। देखिए जरा, हमने इस तरीके से बताया कि किसी वर्ड को पता कर सकते हैं, जूम करके ये चीजें बताई जरूर जा सकती हैं, पर ध्यान दीजिए ये सब बड़ी होने पर फिर ये आगे पीछे हो जाएंगी छोटी। और आप बार बार जो कह रहे हो कि जूम कर दूं, मैं कर तो दूंगा जूम, लेकिन बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देंगी आपको बता दें, इसलिए सलाह दे रहा हूं कि जूम इतना ही रहने दीजिए, आप अपने उसके अंदर देख लीजिए। चलिए अब जैसे कोई भी वर्ड को अगर हम पता कर रहे हैं तो सबसे पहले उस वर्ड को, उस शब्द को पहले ये देखिए कि वो वर्ड की हिंदी क्या है। अगर आपको उस वर्ड की हिंदी नहीं आती, आप कहेंगे सर हिंदी तो आती नहीं, तो कोई बात नहीं सीखो ना। आपने बचपन में आरएटी रेड सीएटी कैट भी तो सीखा ही था। जितने ज्यादा वर्ड्स जो है वो कॉलोकल वर्ड्स होते हैं आम बोलचाल के, ये तो आपको आने ही चाहिए। नहीं आ रहे तो सीखिए, नहीं आ रहे तो हिम्मत हार के मत बैठो। अगर बाय द वे आप बिल्कुल बिगनर हैं और ये सोचे जैसे कोई दौड़ लगाता है, अगर वो खेतों में मेड़ पे ही दौड़ लगा रहा है तो उसके बाद अगर वो किसी पुलिस भर्ती या एनडीए वगैरह में दौड़ लगाएगा तो लगा लेगा। आप घर पे तो बैठे हुए हैं, वहां सीधे दौड़ लगाने चले जाएंगे, कैसे संभव हो जाएगा, जीत जाए। आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं सर मेरे को पैसे नहीं आते, फला चीज नहीं आती, तो इसको अगर आप हाथ में हाथ धर के बैठे रहोगे तो आ जाएगी क्या? आने के लिए आपको प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। और मैं पैसे के बारे में बहुत सारे पॉइंट बता भी रहा हूं, बार बार ये भी कह रहा हूं कि आप मेरे चैनल पे जाकर के पैसे देख सकते हो। यहां पर जैसे ग्रामर सेक्शन पढ़ा रहा हूं तो इस सेक्शन को थोड़ा रेगुलर में आने दीजिए, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। मैंने भी टारगेट जो किया हुआ है वो आपका जो मार्च में एग्जाम आ रहा है उस एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं। और अगर आप SSR या लेडी के या उसके ए के एग्जाम के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो उसका भी एग्जाम देर सवेर आने ही वाला है। आप ये सोचकर नहीं कि अरे मैं फॉर्म भरूंगा तब तैयारी सुनूंगा, ऐसे नहीं। तो आप पढ़ते जाइए ये चीजें बड़े मतलब की। तो जैसे पहला वर्ड है, और पहला वर्ड है उधर की तरफ से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वाइड। वाइड माने होता है चौड़ा। अब चौड़ा शब्द है जैसे हमें ये पता कर रहा है कि क्या है। एग्जाम के अंदर एक चीज ध्यान रखना, चार ऑप्शन दिए होते हैं, एक ऊपर लिखा हुआ होता है, जैसे ऊपर लिखा होता है कि वाइड का नाउन बनाओ, और चार ऑप्शन दे देगा वो, वाइडिंग भी दे देगा, विड्थ भी दे देगा, बहुत सारे वर्ड दे देगा। तो मैं आपको बता दूं इन शब्दों में से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो कैसे बनेगा। पहले आपको रेडीमेड मेथड, फिर जो देसी मेथड, फिर आपको रेडीमेड वाला मेथड बताता हूं। जैसे मैंने कहा वाइड माने होता है चौड़ा, रास्ता चौड़ा है। आपने एक मन में सेंटेंस बनाया रास्ता चौड़ा है, तो आप पूछेंगे रास्ता कैसा है, और कैसा का जवाब है। अगर आपने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया कि रास्ता क्या है तो ये क्वेश्चन थोड़े ही, रास्ता तो रास्ता है, मैं क्या करूं। रास्ता कैसा है, सकरा है, चौड़ा है, पतला है, लंबा है, कुछ तो बोलेंगे ना। तो रास्ता कैसा है और कैसा का जवाब क्या निकलता है, एडजेक्टिव। तो इससे साफ क्लियर हो गया कि वाइड एक एडजेक्टिव है, वाइड यानी चौड़ा। अब विड्थ माने होता है चौड़ाई। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं उस वर्ड की हिंदी आनी चाहिए, चौड़ाई यानी चौड़ाई नापो। कहीं पे बोलते हैं मैंने रास्ते की चौड़ाई नापो, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि रास्ते की क्या नापो, और क्या क्या का जवाब होता है नाउन। इससे क्लियर हो गया कि विड्थ एक नाउन है। नोट्स बनाते जाना, और अगर ये वर्ड्स लिख लिए आपने, फोटो क्लिक कर लिया है तो आप इसको लिख सकते हो, लेकिन इसके अलावा 500 वर्ड्स आप अपने खुद के क्रिएट करके उसको बना सकते हो। अभी तो बहुत कुछ है, आज की क्लास में आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। अब जैसे लॉन्ग, लॉन्ग माने होता है लंबा, यह कल बताया भी था, हमने कहा वह लड़का लंबा है, तो आप इस लंबा वर्ड को निकाल दो क्या बनेगा, वह लड़का है। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि लड़का कैसा है, लंबा है, छोटा है, तो कैसा का जवाब एडजेक्टिव, तो लॉन्ग एक एडजेक्टिव निकला। लेंथ माने होता है लंबाई, मुझे लड़के की लंबाई नापो, या रास्ता लंबाई, रास्ते की लंबाई क्या है। अब लंबाई शब्द निकाल दिया, रास्ते की क्या है, रास्ते की लंबाई कितनी है, तो हमने कितनी हटाकर पूछा तो कितनी का आंसर निकलेगा, और रास्ते की क्या कितनी है, लड़के की लंबाई कितनी है, तो उसका आंसर निकलेगा 10 फुट है, 5 फुट है, 2 फुट है, 3 फुट है। लेकिन लंबाई शब्द को गायब कर दिया तब इसका आंसर निकलेगा क्या से, जैसे लड़के की लंबाई नापो, लंबाई निकाल दो लड़के की नापो, क्या 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 मतलब नाउन। तो इसका लेंथ एक नाउन है,
इसके अलावा इसका अरेंजमेंट मेथड है, अगर किसी वर्ड में GTH लिखा हो तो समझ जाना गुना होंगे। अब जैसे मैंने कहा सॉर्ट क्या है, सॉर्ट माने होता है छोटा, हमने कहा लड़का या कोई भी चीज है वो छोटा है, रास्ता छोटा है, और छोटा है तो कैसा है ये पूछेंगे, और कैसा का जवाब एडजेक्टिव, दैट मींस सॉर्ट एक एडजेक्टिव निकला। अब हमने कहा शॉर्टेज, शॉर्टेज माने कमी, जैसे हमने कहा उसके पास धन की कमी है, और कमी निकाल दीजिए, उसके पास धन की क्या है, क्या का मतलब हो गया नाउन है, इसका मतलब शॉर्टेज एक नाउन है। एक और वर्ड देख सकते हो, जैसे मैंने ये कहा कि करेज, और या एक और वर्ड दिया करेजियस। अब इन शब्दों को कैसे पता करें, इस वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, करेज माने क्या होता है, साहस, और हमने कहा मुझ में साहस है, वह साहस शब्द निकाल दिया मुझ में है। जब आपने बोला मुझ में है तो सुनने वाला क्या कहेगा कि मुझ में क्या है, और क्या का जवाब क्या निकलता है, नाउन। इससे साफ नजर आ गया कि करेज एक नाउन है। अब इसका रेडीमेड मेथड है वो ये है कि जिस वर्ड के लास्ट में, लास्ट के तीन वर्ड देख लिए, ध्यान दीजिए लास्ट के वर्ड जुड़े हुए होते हैं जिन्हें कहते हैं हम सफिक्स, और आगे जुड़ जाते हैं तो वो बन जाते हैं प्रीफिक्स। तो सफिक्स के आधार पर पता किया, जिस वर्ड के लास्ट में एजीई लगा हो वो आंख मीच कर कह देना कि वो नाउन है। अब जैसे करेज नाउन है तो विलेज भी नाउन है, तो परसेंटेज भी नाउन है, तो प्रिविलेज भी नाउन है, और ये अभी आया है शॉर्टेज तो वो भी नाउन निकला। ये रेडीमेड मेथड है कि एजीई लगाओ और नाउन बनाओ। अब जैसे मैंने कहा करेजियस क्या है, करेजियस माने होता है साहसी, और हमने कहा राम एक साहसी लड़का है, तो आप पूछेंगे राम एक कैसा लड़का है, और कैसा का जवाब निकलता है एडजेक्टिव। इससे पता चला कि करेजियस एक एडजेक्टिव है, और करेजियस एडजेक्टिव है तो इसका रेडीमेड मेथड है वो ये है कि जिस शब्द के लास्ट में ous आ जाए वो निश्चित रूप से एडजेक्टिव होता है। इस स्थिति में जब करेजियस एडजेक्टिव है तो कॉन्टिन्यूस भी एडजेक्टिव है, तो प्रीवियस भी एडजेक्टिव है, तो वर्चुअस भी एडजेक्टिव है, ous लगाओ एडजेक्टिव बनाओ। जैसे कोई टेंस होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो कॉन्टिन्यूस के बाद आप क्या बोल रहे हो, टेंस, तो कॉन्टिन्यूस यहां पर एडजेक्टिव है इसलिए टेंस है वो नाउन है, क्योंकि निश्चित रूप से ous लगाने पर वो एडजेक्टिव बनता जा रहा है। अब इसका रेडीमेड मेथड है वो निकलता जा रहा है। जैसे अगर किसी ने कहा कि बताओ ब्यूटी क्या है, तो ब्यूटी की हिंदी आनी चाहिए, ब्यूटी माने होता है सुंदरता, मुझे कश्मीर की ब्यूटी अच्छी लगी, तो आप पूछेंगे मुझे कश्मीर की क्या अच्छी लगी, और क्या का जवाब नाउन, तो पता चला कि ब्यूटी शब्द है वो नाउन है। हम ये रेडीमेड मेथड से देख सकते हैं कि जिस शब्द के लास्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में टी बाई लगा हो वो नाउन होगा। अब जैसे ब्यूटी नाउन है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऑनेस्टी भी नाउन है, वेराइटी भी नाउन है, क्वालिटी भी नाउन है, क्वांटिटी भी नाउन है। बाय द वे आपके इसमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि बताइए इसमें कौन सा नाउन है, और चार ऑप्शन दिए, तो उसको आपको कैसे पता कर पाएंगे, इन शब्दों से पता करो ना, और रेडीमेड है तो बहुत ही बढ़िया, टिक लगाइए, समय का भी बहुत बड़ा ख्याल होता है वहां, तो इसलिए ब्यूटी से पता चला कि नाउन है। अब ब्यूटी नाउन है तो एनएसटी वैरायटी सारे नाउन है जान रखना, तो ये तरीका, तो ये रेडीमेड मेथड भी आपका काम का है। और वैसे भी जैसे मैंने कहा इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट माने होता है बुद्धिमान, राम एक बुद्धिमान लड़का है, तो आप कहेंगे राम एक कैसा लड़का है, और कैसा का जवाब क्या निकला, एडजेक्टिव। इससे साफ नजर आया कि ये एडजेक्टिव है, और रेडीमेड मेथड ये निकला कि जिस वर्ड के लास्ट में एंटी आ जाए वो एडजेक्टिव होता है। तो जब इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है तो पेशेंट भी एडजेक्टिव है। तुम सोचते होगे कि पेशेंट माने तो रोगी होता है, नहीं, पेशेंट माने होता है धैर्यवान। बहुत कम लोगों को पता होता है कि आई एम पेशेंट अगर मैंने कह दिया तो इसका मतलब हो गया मैं धैर्यवान हूं, और अगर आपने बोल दिया आई एम आ पेशेंट तो ध्यान दीजिए अब निकलेगा मैं रोगी हूं। यानी इससे आपको एक चीज पता चल गई कि अगर पेशेंट यानी जो एडजेक्टिव है और उसके पहले मैं आर्टिकल लगा दूं तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तभी तो यह चीज पता चली कि वास्तविकता में एडजेक्टिव के पहले ए लगाने पर वो नाउन बन जा रहा है। तो अभी तो यहां पर देखा कि पेशेंट के पहले ए लगाया तो नाउन बन गया। तो ये दोनों में डिफरेंस जानो, आई एम आ पेशेंट और आई एम पेशेंट, दोनों शब्दों में डिफरेंस है। आई एम पेशेंट मतलब मैं धैर्यवान हूं। अब किसी सेंटेंस में ये आ गया कि आई एम वेरी
पेशेंट, आई एम नॉट रनिंग आफ्टर मनी, मैं धन के पीछे नहीं भाग रहा हूं, क्योंकि आई एम पेशेंट, मतलब मैं धैर्यवान हूं। और वो कह रहा है कि आई एम पेशेंट सो आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, तो गलती हो गई ना, जब हॉस्पिटल जा रहा है तो आप पेशेंट है वो, लेकिन धैर्य रख रहा है, धन नहीं मांग रहा है तो पेशेंट। और पेशेंस क्या होता है, धैर्य, वो नाउन है धन रखना। तो ऐसी कंडीशन में आपको देखने को मिला, इस तरह से ये वर्ड्स को निकाला जाता है। अब इंटेलिजेंट में एंटी दे करके आप एडजेक्ट बना सकते हो, साइलेंट, प्रेजेंट, एबसेंट, एंटी लगाओ। अब बाय द वे कोई ये पूछता है कि एबसेंट का एंटोनिम क्या होगा, तो ध्यान रखना एबसेंट का एंटोनिम है वो प्रेजेंट होगा, और एबसेंस का क्या होगा, प्रेजेंस होगा। सीधी बात है, उधर सी तो इधर भी सी, इधर एंटी तो इधर भी एंटी, उस वर्ड के आधार पर ही आपको ये चलना पड़ेगा। अब अगर हम और शब्दों को देखें तो अगली, अब बहुत से बच्चे ब्लाइंडली क्या होता है, एल वाई देखा और एडवर्ब कह दिया, अगली माने होता क्या है, कुरूप, बदसूरत। हमने कहा कि एक अगली गर्ल यानी कुरूप लड़की, तो आप पूछेंगे कैसी लड़की, और कैसी का जवाब क्या होता है, एडजेक्टिव। तो वास्तविकता में अगली एक एडजेक्टिव है, भले ही एल बाई लगा है तब भी। तो रेडीमेड मेथड है ये, इस तरह से गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये वाला मेथड है वो चलेगा। अब एल बाई में भी देखना पड़ेगा कि अगर वो नाउन के साथ लगा है एल बाई तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर एडजेक्टिव के साथ एल बाई लगा है तो वो एडवर्ब हो जाएगा। तो इसका मेथड ये कि अगर हमने नाउन में और एल बाई लगा दिया तो ध्यान रखना एडजेक्टिव बन जाएगा, लेकिन अगर मैंने एडजेक्टिव में एल बाई लगा दिया तो वो एडवर्ब हो जाएगा। अब ये पता कैसे चले, जैसे कोई ये पूछता है कि बताइए कॉस्टली क्या है, तो कॉस्टली के आपने दो टुकड़े कर दिए, कॉस्ट और ली। तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट माने होता है कीमत। मैंने कहा कि इस पेन की कीमत क्या है, या कीमत 10 रुपए है, तो इस पेन की क्या 10 रुपए है, क्या का मतलब नाउन, इसका मतलब ये नाउन है, कॉस्ट एक नाउन है, और कॉस्ट जब एक नाउन है तो नाउन में एलवाई लग के कॉस्टली क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। अगर आपने कॉस्टली को एडवर्ब कह दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे और देखो, लवली मैंने पूछा, लवली, तो लवली में लव नाउन है और नाउन में एलवाई लग गया तो ये लवली एडजेक्टिव है। और देसी मेथड से निकालो, सी इज अ लवली गर्ल, तो सी इज अ लवली गर्ल में लवली के बाद क्या लिखा है, गर्ल। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको फाइंड आउट करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, वो ये है कि उसके बाद एक नाउन लगा के देख लो, लवली गर्ल, लवली चाइल्ड, अगर उसके बाद आपने नाउन लिखा तो समझ जाइए लवली क्या बन गया, एडजेक्टिव। इसलिए लवली एक एडजेक्टिव है। अगर कोई पूछता है बताइए फ्रेंडली क्या है, तो फ्रेंडली के दो टुकड़े कर दो, फ्रेंड ओली, फ्रेंड क्या है नाउन, फ्रेंड में एल वाई लग गया, नाउन में एल वाई लग गया, एडजेक्टिव बन गया। लेकिन अगर कोई ये कहता है बताइए स्लोली क्या है, तो स्लोली के हम टुकड़े करेंगे, तो स्लो अलग और एल वाई अलग, स्लो माने होता है धीमा। हमने कहा मेरा नेटवर्क धीमा है, तो मेरा नेटवर्क कैसा है, कैसा का मतलब एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव में मैंने एल वाई लगाया तो स्लोली एडवर्ब हो गया। अब जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल क्या है, फुल लगा करके एडजेक्टिव बनता है, ब्यूटीफुल, ड्यूटीफुल, कोई सा भी स्किलफुल, सारे फुल लगा के एडजेक्टिव। अब हमने कहा ब्यूटीफुल और उसमें एल वाई लगा दिया तो बन जाएगा ब्यूटीफुली। अब ऐसी स्थिति में ब्यूटीफुली क्या बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, और अगर वो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में मैंने लगा दिया एल वाई तो ये बन जाएगा एडवर्ब, ब्यूटीफुली क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से जल्दी सीखोगे आप ये सारी चीजें, अभी मैं लिखने वाला हूं, पहले इसको बता दूं फिर आगे बढ़ते। अब हमने कहा ह्यूमैनिटी क्या है, तो शॉर्ट फॉर्म टी बाई से देख लीजिए नाउन है, और वैसे निकालना चाहो तो वैसे भी निकल जाएगा। ह्यूमैनिटी माने होता है मानवता, मुझमें मानवता है, मानवता हटा दो मुझमें है क्या, नाउन निकलेगा, डोंट वरी। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें ये शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती, जैसे ट्रू, अब ट्रू में कोई ट्रिक है ही नहीं, ट्रू माने होता है सच्चा, और ट्रुथ माने होता है सच्चाई, ट्रुथ सच्चाई, मुझ में सच्चाई है निकाल दो सच्चाई, मुझ में है क्या नाउन, तो ट्रुथ नाउन हो गया। और ट्रू, मैं एक सच्चा व्यक्ति हूं, मैं कैसा व्यक्ति हूं, कैसा का मतलब एडजेक्टिव, इसका मतलब एडजेक्टिव हो गया। तो ट्रू एक एडजेक्टिव है और ट्रुथ एक नाउन है। बाय द वे एग्जाम में आ गया ट्रू का नाउन बनाओ, तो बना दीजिए ट्रुथ, ट्रू का एडवर्ब बनाओ तो आपको बताया कि ट्रू क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एल वाई लगाओ एडवर्ब, ट्रूली एडवर्ब हो गया। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत मजेदार ट्रिक है, और इसको सीखना इसलिए जरूरी है,
बाद में एक सेंटेंस आया और वहां पर फिलस भरने के लिए आया, और यहां पर कोई भी प्रपोजिशन फ्रॉम या टू कुछ लगी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार में, और चारों के चारों वर्ड आपको नहीं आते, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। किसी वर्ड के लास्ट में, बाय द वे मान लें किसी वर्ड के लास्ट में लिखा है फुल, किसी में लिखा है ओयूएस, किसी में लिखा है एबल, किसी में लिखा है टी बाय, चारों वर्ड नहीं आते आपको, फिर भी कर लोगे। कैसे? क्योंकि फ्रॉम क्या है, कैलकुलेशन करके देखो, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो फ्रॉम क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन क्या लेगा, नाउन, नाउन इनमें कौन सा हो सकता है, फुल वाला एडजेक्टिव होता है, ओयूएस वाला एडजेक्टिव होता है, एबल वाला एडजेक्टिव होता है, टी बाय वाला नाउन होता है, डन, करेक्ट से आंसर हो जाएगा। क्रैक एग्जाम इस तरह से नहीं होते कि आप रटा रट लगे हुए हो, आप घर वालों को यह दिखा रहे हैं मैं बड़ा मेहनती हूं। डू स्मार्ट वर्क, डोंट डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चाहिए भाई। हार्ड वर्क से सफलता मिलती तो गधे यानी आस जो है वो होते तो जंगल के राजा। जंगल का राजा कौन है? शेर, जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता, कुछ नहीं, किंग बन के बैठा हुआ है। तो आप स्मार्ट वर्क करिए, गधों की तरह पहले रहोगे तो थोड़ी निकल जाओगे आप। इसको एग्जाम को निकलने के लिए सिस्टमेटिकली चलिए, ट्रिकोलॉजी चलिए। अरे पुराने इतिहास को उठा के देखो यार, उस पुराने इतिहास में भी ये चीजें, चाहे अलाउद्दीन खिलजी था या कोई भी था, उन्होंने हमारा फायदा लिया, उन्होंने हमें भिड़ाया और अपनी जनता को इकट्ठा किया। आपने सुना होगा बाबर जो था उसमें बहुत कम सेना रह गई थी, और जो राणा सांगा था उसमें बहुत सारी सेना थी, लेकिन उसने, बाबर ने क्या किया, अपनी सेना को इकट्ठा करके और उनके अंदर बूस्ट किया, मोटिवेट किया उनको। जब उनको मोटिवेट किया तो उनके अंदर क्या हुआ, जोश आ गया। मैं भी आप लोगों को मोटिवेट ही तो कर रहा हूं, सिर्फ केवल खोखली पढ़ाई से भी तो कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा यू कैन डू, आप कर सकते हो, क्योंकि वास्तविकता में जब तक आपके अंदर जोश रहेगा आप करते रहोगे। आपको एक एग्जांपल और देता हूं, एक जंग लगे लोहे में और एक में नया लोहा कनेक्ट कर दूं, टच कर दूं, तो जानते हो इस जंग लगे हुए लोहे से उस नए लोहे में जंग आ जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि नए लोहे से जंग लगा लोहा सही हो जाए? नहीं। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप अपनी दोस्ती भी ऐसे लोगों से करिए जो जंग लगे लोग नहीं हो। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो वास्तविकता में पहले से ही जंग लगे। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं अरे मेरा हुआ ही नहीं। अरे हुआ नहीं तो हुआ क्यों नहीं? बिकॉज असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। और वास्तविकता में आप पूरी ताकत से पिल जाएंगे तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी? देर है, अंधेर नहीं है भाई। इसलिए बी पॉजिटिव। और मैं इसीलिए बार बार अपने स्टूडेंट्स को, मैं ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी मोटिवेट करता रहता हूं, ये कहता हूं कि इट्स ओके, एजुकेशन इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। बहुत ज्यादा रटंत विद्या वाले बंदे, जैसे थ्री इडियट में वो चतुर था और एक था रेंचो, तो सफल कौन हुआ? सफल तो दोनों हुए लेकिन चतुर सेन बेकार थे। तो इसलिए चतुर मत बनिए, दुनिया भर की पढ़ाई भूत बन के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। 10-10 टीचर के यहां पढ़ते जा रहे हो तो कुछ नहीं होगा। स्मार्ट स्टडी करो, डोंट डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क। ओके, चलिए। तो इसलिए इस तरह से ये चीजें क्रैक होंगी। और सीखिए भाई, और सीखिए। डाय, जैसे किसी ने कहा कि डाय माने होता है मरना, एक्शन है ये तो वर्ब है। अगर मैंने कहा कि डैड क्या है, डैड माने होता है मरा हुआ। मैंने कहा मैंने एक डेड बॉडी देखी, तो आप पूछेंगे कैसी बॉडी देखी, बॉडी तो बॉडी होती है, कैसी बॉडी देखी, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और डेथ माने होता है मौत, हमने कहा मौत आ रही है, मौत से सबको डर लगता है, किससे डर लगता है, किस चीज से, कौन से डर लगता है, तो आपने कहा ना उन्हें। अब हमें ये चीजें पता चल गई, अब इस चीज को कैसे पता करें? ध्यान दीजिए, डाई एक वर्ब है तो इसका अपोजिट होगा लिव, रहना, मरना और जीना। इधर डेड मरा हुआ तो इसका एडजेक्टिव होगा अलाइव, जीवित। डेथ मौत तो ये हो जाएगा लाइफ। अब बाय द वे गलती कैसे पढ़ेंगे? बाय द वे यहां पर एक सेंटेंस दिया है और वहां पर लिखा है डेड या डेथ एंड और खाली जगह, और चार ऑप्शन दे दिए उसने, एक दे दिया है लाइफ, एक दे दिया है अलाइव, एक दे दिया है उसने L I V I N G, लिविंग,
और एक दे दिया आपने चौथा नंबर लाइव, ऐसे डिलीट दे दिया। अब आपको जब ये ही नहीं पता कि ये क्या है तो यह भरेंगे क्या, कॉमन सेंस है, जब ये नाउन होगा तो मुझे नाउन ही चाहिए। बेल्डिंग लोहे की लोहे से होती है, प्लास्टिक की प्लास्टिक से, तो अगर ये नाउन है और ये बेल्डिंग यानी एंड है तो ये किसको जोड़ेगा? अगर डेथ के बाद तुमने यहां पर अलाइव जोड़ दिया तो गलत जोड़ दिया ना, जब ये नाउन है तो मुझे नाउन चाहिए और लाइव भरा जाएगा। इसलिए ये चीजें सीखिए, और जब तक ये चीजें नहीं सीखोगे कि डेथ का अपोजिट लाइव होगा, डेड का अपोजिट अलाइव होगा और डाई का अपोजिट लाइव होगा, अगर डाइंग कर दिया तो लिविंग हो जाएगा। तो इसलिए ये चीजें स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। आप क्या कर रहे हो? मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी। क्या पढ़ाई खाक करी? केवल 12-2 बजे तक जगने से के पढ़ाई होती है, या गुट के गुट बना करके रूम लेकर रह रहे हो और सिर्फ वो सिर्फ खा रहे हो सुबह शाम, और दनादन अपने जो है मस्ती कर रहे हो उसमें लगा लिए, और मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, उसके जो है फिल्मों के गाने सुन रहे हो। मेरे भाई, घर वालों की उम्मीदें टिकी आप पर, गांव से छोड़ छोड़ करके आप यहाँ टिके हुए हो। कई बच्चे मुझसे कमेंट में भी कहते रहते, सर प्लीज आप अच्छे आ गए मेरे को। तो भाई मुझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरी आपको आशीर्वाद है दोनों हाथों से कि आप सफल हो। मैं तो भाई अपनी मेरी जिंदगी गुजर गई, मैं 50 साल का हो चला, तो लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मैं तो सफल हो चुका और मुझे करना था मैंने कर लिया। पर आप तो अभी उगते हुए सूरज हो, मेरे से 1/3 हो, अभी 17-18 साल के हो, मेरी उम्र के आधे से भी आधे हो। तो इस स्थिति में आप लोगों को सलाह दे रहा हूं कि घर वालों की थोड़ी सी चिंता करके और उनके लिए सोचो। अगर घर बुरा छोड़ करके सर्दियों में या ठंड में पड़े हुए हो तो आपका मन नहीं करता कि मैं बहुत कुछ करके दिखाऊं ताकि माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाए? अभी तो आप अपनी इज्जत को लेके भी नहीं चल रहे। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं बड़ा, मेरे को बेइज्जती हो जाती है। क्या होती है बेइज्जती? आपकी इज्जत है कोई क्या? और वैसे भी पढ़ने जाओ चाहे कहीं भी जाओ, मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत चीज को इसको मोटिवेट कर रहा हूं, बिल्कुल खूटी पे टांग के जाया करो अपनी इज्जत को। अभी आपकी कोई इज्जत नहीं, आपके माँ बाप की इज्जत है। आपके माँ बाप की इज्जत लेकर के आप घूम रहे हो, आपको जानता कौन है? आपकी माँ बाप के किन का छोरा है, किन का लड़का है, किन की लड़की, यही तो कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति लाके दो कि लोग ये कहें कि अच्छा फला व्यक्ति के फादर हैं आप, पिताजी को अभिनंदन वर्तमान ने वो करके दिखाया जिसकी वजह से उसके फादर को लोग जानने लगे। मोदी को आप, मोदी को की जो माँ है उसको पहले जानते थे क्या? मोदी ने कुछ ऐसा करके दिखाया जिससे वो पहचान गए? तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाए। चलिए अब हम और चलते हैं, डाई और डेथ, डाई वर्ब है, डेथ नाउन है, डाई डाई झेलते हुए। इकोनॉमिकल माने होता है कंजूस, वह एक कंजूस लड़का है। कैसा लड़का है? एडजेक्टिव हो गए। तो इस तरह से इन शब्दों को निकालना है। टेरर माने होता है डर, आतंक, देश में डर फैला, देश में आतंक फैला, क्या फैला? नाउन, नाउन बन गया टेररिस्ट, नाउन। कैसे पता चला? आतंकवादी, देश में आतंकवादी आ गया। जब भी किसी वर्ड में IST आ जाता है तो हिंदी निकलती है वादी, और ISM तो हिंदी निकलती है वाद। जैसे टेररिज्म तो आतंकवाद, टेररिस्ट तो आतंकवादी, कम्युनिस्ट साम्यवादी, कम्युनिज्म साम्यवाद, सोशलिस्ट समाजवादी, सोशलिज्म समाजवाद, जैनिज्म जैनवाद, जैनिस्ट जैनवाद। बर्मर सेप्टिट्यूशन में भी यही बोला जाता है, कहीं पर अगर ये आ जाए अ पर्सन तो समझ जाइए इस्ट की बात हो रही है, और अगर कोई कहता है सिस्टम तो बात हो रही है इज्म की। तो इस तरह से ये चीजें बढ़ती हैं, इसके आधार पर ये चीजें बढ़ती जाती है, इसके आधार पर शॉर्ट ट्रिक्स निकलती हैं। और देखिए इन चीजों को बारे में, ये तो आप समझ चुके और इनको आप करिएगा, और इनमें से कोई भी दिक्कत लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जैसे आपने फोटो क्लिक कर लिया होगा, करके देखिए, मैंने जो 10-12 बता दिए हैं, इसके बाद के अगर मैं बताता रहूंगा तो समय निकल जाएगा, इसलिए आपको ये करिए, इसमें कोई डाउटफुल हो तो मुझे पूछ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और बताते हैं जिनके बारे में रियली आपको नहीं पता होगा और बहुत दिनों से गलत चला आ रहा है। देखिए जरा, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा है। अगर मैंने आपसे बोला कि IM ये लिखा हुआ है, जानते हो आप क्या बोलते हो? IM bathing। मेरे भाई, bathing बोलते हो, bathing।
बड़े बड़े पढ़े लिखों को मैंने बाथिंग बोलते हुए देखा है पर जानते ही नहीं बी ए टी एच और बी ए टी एच ई। ध्यान रखना जब भी टी एच होता है तो था इसलिए हम बोलते हैं बाथ और बी ए टी एच ई हो जाए तो हम इसे बोलते हैं बेद और इसी कंडीशन में बी आर ई ए टी एच और एक होता है बी आर ई ए टी एच ई ये हो जाता है ब्रीथ ब्रीथ माने होता है सांस और ब्रीद ब्रीद माने सांस लेना बाथ माने स्नान और बेद माने स्नान करना ये नाउन है ये वर्ब है ये नाउन है ये वर्ब है। अब आप जानते हो कि आईएनजी किसमें लगती है वर्ब में तो मेरे भाई वर्ब में लगाओ ना इसलिए आई एम बाथिंग नहीं आई एम बेदिंग आज मत आज से बोलना मत आई एम बाथिंग। हमने टीचर्स को बोलते देखा है बड़े 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 लोगों को बोलते देखा है लोग कहते हैं लेडी का प्लूरल लेडीज होता है फिर आप उसको बोलते समय लेडीज जो क्यों बोलते हो हिंदी को इंग्लिश में घुसा रहे हो जैसे औरतों तो उन्हें आपने लगा दी लेडी जो टीचरों टीचरों क्या होता है टीचर का प्लूरल टीचर्स होता है पर हमने जाने कहां कहां से वर्ड निकाल डाले हिंदी वाली मात्राएं इंग्लिश में घुसा दी जैसे घमंडी तो मैंने कह दिया प्राउडी क्या होता है प्राउडी जानते हो ये शब्द ही नहीं होता। एक और होता है इंटेलिजेंसी उसकी इंटेलिजेंसी देखो इंटेलिजेंसी क्या होता है हमने कहा सर इसका तो बाउंडेशन है आप जानते हो ये वर्ड दुनिया में है ही नहीं हमने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बोलते देखा है बाउंडेशन अमिताभ बच्चन शाहरुख खान सलमान खान वगैरह कौन कौन से खान सब बोल रहे हैं कि देयर इज अ बाउंडेशन बाउंडेशन नो दिस वर्ड डजंट एक्सिस्ट इन द डिक्शनरी डिक्शनरी के अंदर भी नहीं है ये वर्ड लेकिन कहां से बना घर की पंचायत हमने कह दिया न्यू ही ये कौन सा वर्ड होता है लेडीजों टीचरों टेबलों ये क्या होता है वर्ड जाने कौन कौन से वर्ड निकाल निकाल के ला देते हैं हमारा इसलिए आज इंग्लिश को विकृत कर दिया है लोगों ने मजाक बना दी इस इंग्लिश को क्योंकि इंग्लिश आज से 20 साल पहले बहुत अच्छी थी जब हम पढ़ते थे हम लोग लेकिन आज क्या हुआ जर्मन स्पेनिश सारे लॉट्स ऑफ वर्ड्स आ गए इसके अंदर और इसीलिए मैं बड़ा दुखी होता हूं कि ये क्या कर दिया इन लोगों ने। और जानते हो अभी जाग जाओ बढ़िया रहोगे आने वाली पीढ़ी रोएगी क्योंकि हम तो 10-20 बच्चों को पढ़ाते हैं भाई मेरे हम अच्छे टीचर हैं इसलिए हम अच्छे अच्छे ग्रुप भंडार नहीं करते 400 बढ़ा लिए क्योंकि हमें भैया अपने भविष्य की भी चिंता है कुछ दिनों बाद इस दुनिया से मैं तो चला जाऊंगा लेकिन आने वाली पीढ़ियां गालियां देगी हम लोगों को जैसे आज हम कहते हैं ना कि अरे हमारे पूर्वजों ने इतने कायर थे उन्होंने देश को आजाद नहीं होने दिया 1857 में आजाद हो जाता उस समय तो राजा महाराजा थे उन लोगों को तो भैया बहुत ज्यादा सेना हुआ करती होगी उन पे आजाद नहीं हुआ और हमारे यहाँ के दुबले पताले पतले बेचारे गांधी जी वो पार कर गए वो तो राजा नहीं थे ना जोश जुनून उसके माध्यम से। तो मैं आप लोगों क्योंकि इन टीचर्स को आगे बढ़ाने वाले भी आप हैं और धूल चटाने वाले भी आप ही होंगे ध्यान रखना इसलिए मैं सिर्फ कह रहा हूं आप जागो आपके जागने से ये सब हिल जाएगा जागो ग्राहक जागो केवल कस्टमर बनकर के बैठो मत भीड़ मत लगाओ भीड़ चाल कहीं भी पढ़ते हो मेरे भाई टीचर को परखो आप डेमोन्स्ट्रेशन लेने जाते हो डेमो लेने जाते हो व्हाट द मीनिंग ऑफ डेमो यू हैव टू एग्जामिन द टीचर हु इज कमिंग इन द क्लास इज एबल टू टीच यू और नॉट इफ इज नॉट एबल टू टीच यू व्हाट द मीनिंग ऑफ हैविंग सच टाइप ऑफ टीचर इज कमिंग एंड बक करके निकल गया लेकिन सही मायने में उस टीचर को एग्जामिन करो कुछ नई चीजें पूछो वही लेके घिसी पिटी टेंस पढ़ाने बैठ गया क्या है ये आप सीखिए ना नई नई चीजें वो कुछ जिस दिन आप ज्वाइन करो उस दिन आपको कुछ मिला कुछ नया मिला थ्री इडियट मूवी में कहता है कि देखो कैसे रट्टू तोता की तरह हम लोग पढ़ रहे हैं उसने दोनों दोस्तों के नाम लिख दिए थे राजू लाइएशन और जाने क्या क्या और बोला वो प्रिंसिपल साहब भी लग गया उसमें देखने के लिए यही हो रहा है ना क्योंकि वास्तविकता में वो मूवीज आपको बहुत स्ट्राइक करती है मुझे कहती देखिए जब हम घर से किसी जगह कोचिंग पढ़ने जाए या कहीं जाए तो ये सोच के क्यों नहीं जाते कि आज मुझे कुछ नया पाना है कुछ नया लेके आना है इतनी खर्चे लेकर के मैं यहाँ जा रहा हूँ फीस भी दे रहा हूँ नया मिला या वही मिला जो हमने 8वीं 10वीं में पढ़ा था वही ताहे ती है टेंस इनसे क्या होगा इनसे एग्जाम निकलेगा सिर्फ आपने सिर्फ ये कह दिया बस मैथ फिजिक्स मिल गई तो उसमें कहते अरे भगवान मिल गए क्योंकि एग्जाम तो भैया तीनों सब्जेक्ट से निकलेगा
और यही कोचिंग वालों में एक दो मिल गए, बाकी सब टीचर कोई रद्दर से भर लिए और चल दिए भीड़ लगा के, आगरा में भी आ रहा चलिए। तो देखिए तो ब्रीथ और ब्रीथ, तो ध्यान रखना आई एम ब्रीथिंग होता है। अब आप सोचेंगे कि आई एन जी लगाया, आप जानते हो कि जब ई लगा होता है उसमें आई एन जी लगा दो तो ई गायब हो जाता है। कमिंग की स्पेलिंग क्या है, सी ओ एम ई, आई एन जी लगाने में कमिंग, इसलिए यहां पर ब्रीथिंग हो जाएगा, आई एम ब्रीथिंग। और देखिए अगर मैंने ये कहा कि आई एम वर्किंग हार्ड, हमने बोला आई एम वर्किंग हार्ड में हार्ड क्या है, और एक मैंने बोला आई एम डूइंग हार्ड वर्क, डूइंग हार्ड वर्क। अब आपने कहा इसमें हार्ड क्या है, तो पहचानो अगर मैंने कहा आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं, तो सुनने वाला पूछेगा क्या, और क्या का जवाब निकला वर्क यानी नाउन। अब आप पूछेंगे वर्क तो कर रहे हो पर कैसा, और कैसा का जवाब क्या निकलेगा, एडजेक्टिव, क्योंकि वर्क कैसा है हार्ड है, तो हार्ड यहां पर एडजेक्टिव है। अब मैंने ये कहा कि आई एम वर्किंग, तो इस पूरे का मतलब है मैं कार्य कर रहा हूं। अब आप ये पूछेंगे कार्य तो कर रहे हो पर कैसे, तरीका बताओ, तो यहां पर वर्किंग के लिए काम कर रहा है, और वर्किंग यहां पर क्या है वर्ब, वर्ब के लिए काम करेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा ये हार्ड एडवर्ब, इस तरह से निकलते हैं ये वर्ड, जरा जरा से शब्दों में भंडार बन जाएगा। मैंने आपको बताया कि आज मैं पार्ट्स स्पीच खत्म करने के बाद फ्रॉम टुमारो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट योर कोर्स दैट इज कॉल्ड नाउन। नाउन के दो तीन पार्ट है, ज्यादा नहीं, दो दिन का पार्ट है, दो दिन में नाउन कंप्लीट करने के बाद देन वी विल स्टार्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के पॉइंट जो मैं समझा दूं उसके बाद एक्सरसाइज करके देखना, यू विल डेफिनेटली डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइजेस। Then we will start verb. Verb is the most important part. और जब हम verb complete कर लेंगे, verb के अंदर active, passive, direct, indirect, tense, सब कुछ आ जाएगा। Verb जिस दिन complete हो गई, उस दिन आप करके देखना sets. मैं भी आपको sets दूंगा, तो बताना क्या है। Last में आपको set ही set कराऊंगा। लेकिन डटे रहिए, कहीं मत जाइए। और बार-बार मैं बोल रहा हूँ, likes करिए, comment मत करिए। Likes बढ़ाइए जितने बढ़ा सकते हो। लेकिन इसके अलावा मैं आपको यही कहूंगा, भले बच्चों को, अच्छे बच्चों को जोड़िए जो सीखना चाहते हैं। कोई कह रहा है मेरा लास्ट चांस है, कोई कह रहा है मेरा सेकंड लास्ट है, क्रैक करिए, चिंता मत करिए, मैं हूं ना। चलिए अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ सक्सीड क्या है, और सक्सीड एक वर्ब है, और हमने पूछा वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो आप ऐसे ज्यादातर क्या कह देंगे, थर्ड फॉर्म है, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो ईजी लगा है ना। अरे मेरे भाई ये सक्सीड है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म है। और आप ऐसे बहुत सारे लोग तो सक्सेस इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं। ध्यान दीजिए सक्सेस है ना, ये वर्ब ही नहीं है, ये नाउन है। कैसे पता चला, एक इंटरमीडिएट कॉलेज के टीचर से पूछा, हमारे स्टूडेंट्स हैं, कि सर सक्सीड क्या है, उन्होंने कहा सर ईजी लगा हुआ है तो थर्ड फॉर्म है। टीचर जब ये कह रहा होता तो क्या है, आप भी जानते हो यूपी बिहार जैसे स्टेट ऐसे जहां एजुकेशन का कबाड़ा हो गया है, क्योंकि वास्तविकता में कोर्स तो बचा ही नहीं है पढ़ाने वालों को, नेचर की स्पेलिंग ना टूरे बोल रहे हैं इंग्लिश में, तो मैं स्पेशली इंग्लिश की बात कर रहा हूं। तो जिस तरह से कबाड़ा हो गया उसी बेस पर टीचर भी सक्सीड को क्या बोल रहा है, वर्ब की तरफ। हमने कहा बताइए आई एन जी लगी होती वर्ब में, तो वर्ब में आई एन जी लगी होती, इसका मतलब दार्जिलिंग भी वर्ब है क्या, और मॉर्निंग और इवनिंग भी वर्ब है क्या, क्योंकि आईएनजी लगी है। ये कौन सा है कि जहां देखी तरी और बिछाती तरी, ऐसे मत तरी बिछाओ प्यारे। या ध्यान दीजिए सक्सीडेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और सक्सीडेड कर दोगे तब ये थर्ड फॉर्म होगी। ऐसे ही बार देखो अगर मैंने ये कहा कि बताइए सारपन क्या है, तो सारपन को भी आप ईएन देख करके, जैसे बीट बीट बीटन, तो आपने कह दिया सार्प सार्प सारपन। अरे भैया ट्यूनिंग में खिलाओ, सारपन वास्तविकता में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। अब फिर सोच रहे होंगे आप फिर सार्प क्या है, सार्प माने होता है पेना, चाकू पेना है, पेना निकाल दो चाकू है, कैसा एडजेक्टिव है भाई। और सक्सेस क्या है, नाउन, मुझे सक्सेस माने होता है सफलता, मुझे जीवन में सफलता मिली, मुझे जीवन में क्या मिली, क्या का मतलब नाउन है, इसलिए यह नाउन निकला। इसके अलावा अगर मैंने कहा बताओ डीपन क्या है, तो इसमें भी ई एन देख करके आप वर्ब की थर्ड फॉर्म कह बैठोगे, पर वास्तविकता में ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट।
अगर इसकी सेकंड या थर्ड बोलना चाहो तो डीपंड डार्कंड ऐसे होगा। फिर आप पूछेंगे डीप क्या है, तो जानिए डीप माने होता है गहरा, डीप माने क्या होता है गहरा। हमने कहा कुआ गहरा है, आप पूछेंगे कुआ कैसा है, कैसा है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। अगर मैं ये कहता हूं डीप रेड कलर, डीप रेड कलर, कलर क्या है नाउन और कलर कैसा है रेड, तो ये एडजेक्टिव हो गया। रेड कितना है डीप, यानी एडवर्ब भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि डीप किस तरह से यूज कर रहे हो। हमने कहा डार्कन, तो डार्कन ये भी आपको बता दें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो फिर आप पूछेंगे बताइए डार्क क्या है, तो डार्क तो कुछ भी हो सकता है। हमने कहा गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, आप पूछेंगे क्या हो रहा है, क्या कलर नाउन हो रहा है। डार्क पेन दे दो मुझे, कैसा पेन, कैसा यानी एडजेक्टिव हो गया। अगर मैंने कहा डार्क रेड पेन दे दो, तो रेड के पहले लग करके एडवर्ब हो गया, तो ये तो तीनों काम करेगा। हम कैसे कह दें कि डार्क क्या है, लगने पे पता चलेगा, सेंटेंस में यूज होने पे पता चलेगा। अगर हमने पूछा बताओ फास्ट क्या है, तो आपके मुंह से जवाब निकलना चाहिए भैया देख के बताऊंगा ये क्या है, क्योंकि वास्तविकता में फास्ट के यूज करने पर डिपेंड करता है। यह तीन तरीके से यूज हो सकता है। अगर मैंने कहा ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, या मैंने कह दिया ही इज माय फास्ट फ्रेंड, ही इज माय फास्ट फ्रेंड, और एक और मैंने बोला ही कैप्ट अ फास्ट, उसने एक व्रत रखा। फास्ट तीनों में आया है। अब हमने कहा ही रैन फास्ट में फास्ट क्या है, वह तेज दौड़ा, दौड़ा यानी वर्ब, वर्ब के लिए काम करेगा तो ये बन जाएगा एडवर्ब। हमने कहा वह मेरा फास्ट फ्रेंड है, कैसा फ्रेंड है, फ्रेंड नाउन है, कैसा एडजेक्टिव बन जाएगा, कैसा का जवाब यानी फास्ट एडजेक्टिव भी है। ही कैप्ट अ फास्ट, उसने एक व्रत रखा, क्या रखा नाउन, क्या का मतलब नाउन है मेरे भाई, नाउन है तभी तो आर्टिकल है, ध्यान दीजिए। तो इस तरह से ये शब्द निकलते हैं। अब अगर आपको सक्सीड या शार्पन ये सब थर्ड फॉर्म लग रही थी तो प्रॉब्लम तो होगी। जैसे कहीं पर मैंने लिख दिया आई हैव सक्सीड इन एग्जाम, और आपसे पूछा गलती बताओ, तो आप बड़े होशियार हो, हैव के बाद वन की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड, लेकिन मेरे भाई ये तो फर्स्ट है, और अगर आप इसे थर्ड समझ बैठे तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको पता चला कि सक्सीड नहीं, यहां पर तो सक्सीडेड आएगी, सक्सीडेड, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए मुझे, थर्ड। तो जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक कैसे क्लियर होंगी। इसके शॉर्ट ट्रिक में आप कह सकते हो कि अगर मैं एडजेक्टिव में और ईएल लगा दूं तो वर्ब बन जाती है, पहला नियम। एडजेक्टिव में और ईएल लगाए, नीचे लिख देता हूं अगर कट रहा होगा। अगर मैं लिख रहा हूं एडजेक्टिव में en, तो ध्यान रखना वो वर्ब बन जाती है, हमेशा ऐसा होगा। अब यहां ये समझिए कि शार्प एक एडजेक्टिव था और एडजेक्टिव में मैंने en लगा दिया तो ये वर्ब बन गई ना। हर एडजेक्टिव में ऐसा होगा, जैसे रेड, तो रेड की अगर कोई कहे वर्ब बनाओ तो रेडन, वीक की वर्ब बनाओ तो वीकन, फास्ट की वर्ब बनाओ तो फासन, किसी में। अब कोई कहे ब्यूटीफुल की कैसे बनाए, तो वो तो फुल पहले से ही लगा हुआ है, एक एडजेक्टिव लाओ मेरे भाई, बनाया हुआ एडजेक्टिव पहले से तो नहीं होगा ऐसा, तो इसलिए ध्यान दीजिए। दूसरी कंडीशन ये कि अगर मैं वर्ब में और ईआर लगा दूं तो नाउन बन जाएगा, किसी भी वर्ब में, राइट तो राइटर, कोई भी वर्ब, ड्राइव तो ड्राइवर, इंस्पेक्ट तो इंस्पेक्टर, कट तो कटर, कोई भी वर्ब। अब जैसे रेड एडजेक्टिव है, तो हमने पूछा रेड की वर्ब क्या होगी, तो रेडन। अब रेड का नाउन क्या होगा, रेडनर, क्योंकि ध्यान दीजिए वर्ब में ही अलग के नाउन बनना है ना, तो पहले रेड को मैंने एडजेक्टिव को वर्ब बनाया रेडन, और फिर वर्ब में लगा दी ईआर तो रेडनर। जैसे साप एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में ईआर लगा के सापन वर्ब बना दी, सापन में ईआर लगा दो शार्पनर तो नाउन बन गया। आप नहीं जानते पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर, तो शार्पनर कैसे शार्पनर बना। अगर आपको शार्पनर ईआर में लगा करके शार्पर बोल दिया जाए तो आप कहेंगे तो सही है, पर सही नहीं है वो, सही भी है
तो वो एडजेक्टिव के सेंस में सही है, क्योंकि एडजेक्टिव में अगर मैं ईआर लगा दूं तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है वो, जैसे टॉल टॉलर टॉरेस्ट, तो इसी प्रकार से सार्प सार्पर सार्पर सार्पेस्ट, डीप डीपर डीपेस्ट। लेकिन कोई ये कहे कि डीप की वर्ब क्या बनाए, तो पहले डीप में ईआर लगा के बनाओ डीपन, फिर ईआर लगाओ डीपनर, इस तरह से वर्ड बनते हैं, डीपनर डार्कनर कटर ड्राइव में ड्राइवर, कोई भी वर्ड, राइट में राइटर स्पीक में स्पीकर, वॉक चलने वाला तो वॉकर। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो वॉकर में घूमते रहते हैं, तो वॉकर क्यों बोला है, वॉक माने टहलना, तो ईआर लगा दी वॉकर। अरे टायर को खोलने के लिए आपने देखा होगा गांव गांव में शहर शहर में सब जगह जो पंचर वाले वो बेचारे बोलते रहते टालीवर लाना, लेकिन आपको ताज्जुब होगा वो टायर लीवर है, टायर को लीव माने छोड़ना, तो लीव में ईआर लगा दिया लीवर, तो टालीवर मत बोला करो उसको, टायर लीवर है वो। लेकिन टायर लीवर में आर टी डी बोलने के कारण उसको शॉर्ट में जल्दी से बोल देते टालीवर, शायद अंग्रेज आए होंगे उस समय यही बोला जाता होगा, तो टालीवर बोलना शुरू कर दिया। किसी भी वर्ड में रन में रनर, कोई वर्ब उठाओ ना, गो में लगा दिया गोवर, तो गोवर माने जाने वाला, गोवर नहीं गोवर जाने वाला, और कम में ईआर लगा दिया तो कमर आने वाला, लोग कहते थे न्यू कमर है ये, तो किसी भी वर्ड में लगाइए ना, बोलने वाला स्पीकर, लिखने वाला राइटर, और जो वर्ड आपको जितनी वर्ब लग रही हो, टीच तो ईआर लगा दो टीचर, इंस्पेक्ट इंस्पेक्टर, किसी भी वर्ड में लगाओ। चलिए तो एडजेक्टिव में ईआर लगा के क्या बनना है, लेकिन डिग्री हो जाएगी। और देखिए अगर मैं एडजेक्टिव में एलवाई लगा दूं तो बन जाएगा एडवर्ब, एडजेक्टिव में एलवाई। पांचवा नंबर, अगर मैं नाउन में एलवाई लगा दूं तो बन जाएगा एडजेक्टिव। और देखें छठवीं बात, अगर मैं वर्ब में आईएनजी लगा दूं तो ये वर्ब तो है ही, लेकिन ये नाउन और एडजेक्टिव भी बन जाएगी और वर्ब तो है ही। आप कहेंगे ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे देखो जरा, कल से मैं नाउन पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आज मैं इस पार्ट को कंप्लीट कर रहा हूं, और इसके बाद मैंने कहा है दूसरा ये भी कह रहा हूं बार बार, पैसेज वगैरह के लिए आप लोग कहते हैं सर पैसेज कराओ फिलर्स कराओ, पहले सीख तो जाओ। पैसेज जो है ना वो मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी मैं आपको उसमें डाल रहा हूं अपने YouTube चैनल कमल जैन इंग्लिश क्लासेस में, जिसको आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलते रहेंगे। ज्वाइन इंडिया मैंने भी में तो आपको पढ़ाई मिली रही है, लेकिन मेरे चैनल से आपको बहुत सारे पैसेज वगैरह है जो मैं डालता रहता हूं वो मिल जाएंगे आपको, और उसमें पैसेज करना, क्योंकि बाय द वे यहां पर पैसेज नहीं भी मिल पाए आपको, तो वहां पर आप कम से कम सीख तो लेंगे, वहां पर मैं पैसेज को करने की ट्रिकोलॉजी भी डाल दूंगा, और यहां पर भी अगर वक्त मिलेगा तो मैं प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको वोकैबुलरी और पैसेज कराऊंगा। डोंट वरी, ये मत सोचिए कि कहां बीच में लटक जाऊंगा, डोंट वरी पूरा करेंगे आपको। जैसे अगर मैंने कहा कि आई एम टीचिंग, तो यहां पर टीचिंग है ना वो वर्ब है, हिंदी निकल रही है, मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं ये बोल देता आई लाइक, देखिए जरा, और अगर मैं ये कह देता हूं आई लाइक टीचिंग, तो हिंदी में टीचिंग तो वर्ड वही आया है, पर सुनो आई लाइक मैं पसंद करता हूं, क्या क्या का जवाब निकला, तो जीरन नाउन बन गया ये, यही टीचिंग। और अगर मैंने कहा आई सॉ रवि टीचिंग, मैंने रवि को पढ़ाते हुए देखा, अब आप पूछेंगे रवि को कैसा देखा, कैसा का जवाब निकला, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो वर्ब में आईएनजी लगा करके एडजेक्टिव नाउन और वर्ब तो है ही, तो इस तरह से बन जाते हैं। और देखिए अगर मैं एडजेक्टिव में और आर्टिकल लगा दूं तो नाउन बन जाएगा। आठवीं बात, अगर मैं वर्ब में आर्टिकल लगा दूं तो भी नाउन बन जाएगा। कई वर्ब ऐसी होती हैं जो दोनों दोनों काम करती हैं, जैसे कुक, जैसे चीट, जैसे वर्क, जैसे प्ले, और भी बहुत सारी वर्ब है, ये वर्ब भी हैं और नाउन भी हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब कैसे, ध्यान रखना अगर इनके पहले मैंने आर्टिकल लगा दिया तो नाउन बन जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि कुक अ कुक कुक, यानी एक रसोईया पकाता है, तो रसोईया ये नाउन है और पकाता है वो वर्ब है।
कुकर मत बोल देना, कुकर होता है वो तो बर्तन होता है, क्योंकि इसमें भी ये क्लियर हुआ कि वर्ब में ईआर लगा के नाउन बन गया है। अगर मैंने कहा नाटक खेलो तो आप बोलेंगे प्ले या प्ले, क्या खेलो, खेलो वर्ब है क्या, नाटक नाउन, वर्ब के पहले लगते ही नाउन बन गया। हमने कहा धोखेबाज को धोखा दो, चीटा चीट, तो धोखा देने की इंग्लिश वर्ब, और किसको धोखा दो नाउन आर्टिकल। चीटर मत बोलना, ब्रिटिश इंग्लिश में चीटर नहीं होता। नाटक खेलो, आई एम डूइंग वर्क में आपने देखा था वर्क वर्ब भी था, आई एम वर्किंग कर दिया तो वर्ब बन जाता है और वर्क नाउन भी है। तो ऐसे कई वर्ड हैं जो वर्ब नाउन दोनों का काम करते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, वर्ब के पहले ए लगा दिया, अब वर्ब के पहले टू लगा दिया तो भी ध्यान रखना वो नाउन भी बन जाता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है और एडवर्ब भी बन जाता है, इसे इन्फिनेटिव कहते हैं, आपको बता दें। तो ऐसी कई चीजें हैं, ध्यान रखना। अगर मैं एडजेक्टिव में एस या ईएस लगा दूं तो भी ध्यान रखना नाउन बन जाएगा। जैसे अगर मैंने ये कहा कोई भी एडजेक्टिव उसमें, जैसे रिच, तो रिचेज क्या हो जाएगा, नाउन, धन दौलत। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल एडजेक्टिव है, वैल्यूएबल नाउन बन जाएगा, क्योंकि उसका मीनिंग बदल जाता है, ध्यान रखना। अगर मैं वर्ब में एस या ईएस लगा दूं तो भी नाउन बन जाता है, जैसे टीयर माने क्या होता है, फाड़ना, टीयर में एस लगा दो आंसू, नाउन बन गया। तो इस तरह से ये 1100 ट्रिक से आप ये चीजें सीख सकते हैं। इसके बाद कल से जब हम पार्ट जिसको पढ़ाने जा रहे हैं वो पहला टॉपिक होगा नाउन। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो तो सीख ही रहे होंगे, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाए, लाइक करने के लिए बोले, कमेंट नहीं, क्योंकि कमेंट आप करना शुरू करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं और अनाप शनाप बेकार गलत से कोई जो है आपको जो कुछ बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है, ये सारी चीजें भैया अलग से बोला करो। ये इंग्लिश की क्लास है, इसको बिल्कुल सेपरेट रखिए ताकि अच्छी तरह से जो स्टूडेंट पढ़ने वाले उनको डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसे किसी भी स्टूडेंट को मत जोड़िएगा जिसका उद्देश्य पढ़ना नहीं सिर्फ रायता फैलाना है, क्योंकि वो वास्तविकता में वो घर से आया ही रायता फैलाने के लिए, वो घर से आया ही यही काम करने के लिए कि डिस्टर्ब करें। और विशेष रूप से दुख होता है जब यह चीज पता चलती है कि आगरा के स्टूडेंट ऐसा करते हैं, क्योंकि वास्तविकता में आपको किसी से टीचर से क्या रिश्तेदारी करनी है क्या? अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं मेरे भाई तो पढ़ते रहिए, मना किसने कर दिया, लेकिन कम से कम टीचर का सम्मान सीखो। जब तक टीचर का सम्मान नहीं करोगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जय हिंद ऑल ऑफ यू, अगले दिन कल फिर मिलते हैं, और कल नाउन के बढ़िया सी चीजें बताते हुए उसके अंदर, और आपको यह भी कह रहा हूं आप टॉपिक पढ़ने के बाद, आज फंडामेंटल क्लियर किया, टॉपिक पढ़ने के बाद आप टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस को करना, फिर बताना कि आपको हो पा रहे हैं वो पार्ट या नहीं हो पा रहे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।